Which of the following statements is or are correct in case of heavy water? Heavy water is used as moderator in nuclear reactors. ये बात सही है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए हैवी वाटर यूज किया जाता है। सो दिस इज करेक्ट, न्यूट्रॉन स्लो डाउन होने पर रिएक्शन कंट्रोल हो जाएगी इसकी, तो मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है इसको। हैवी वाटर इज मोर इफेक्टिव एज अ सॉल्वेंट देन ऑर्डिनरी वाटर। देखो जो हैवी वाटर है ना, उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट नॉर्मल वाटर से कम होता है, याद रखना है बात। हैवी वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नॉर्मल वाटर से कम होता है। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किसी सॉल्वेंट का, वो उतना अच्छा सॉल्वेंट होता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए या पोलर कंपाउंड्स के लिए। तो पोलर कंपाउंड्स के लिए तो कौन ज्यादा अच्छा सॉल्वेंट हो गया, वाटर, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हैवी वाटर से, तो ये तो गलत हो गया। हैवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर, ये बात सही है। हैवी वाटर में एच बॉन्डिंग ना वाटर से ज्यादा स्ट्रांग होती है, याद रखना ये बात, ठीक है। हैवी वाटर में एच बॉन्डिंग वाटर से ज्यादा स्ट्रांग होती है, उसका कारण पता क्या है, क्योंकि ड्यूटीरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। देखो ओ एच बॉन्ड और ओ डी बॉन्ड, ठीक है, तो जैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, क्लोरीन ऑक्सीजन 3.5 होती है ना, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, इसकी मान लो 2 है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मान लो 2 है, तो ये गैप कितना हो गया 1.5 का, ये गैप कितना हो गया 1.4 का, तो ज्यादा गैप किसमें है, इसमें, इसमें ज्यादा गैप है, तो ये ज्यादा पोलर हो जाएगा, दिस विल बी मोर पोलर, इसलिए एच बॉन्डिंग ये ज्यादा करता है, ओके। तो इट इज मोर एसोसिएटेड, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हैवी वाटर हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्डिनरी वाटर, नहीं, हैवी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डिनरी वाटर से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें एसोसिएटेड ज्यादा होगा ना, वो एच बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देखो ये सारा ना आप ट्रेंड देखो इसको, D2O का मॉलिकुलर वेट ज्यादा है H2O से, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है H2O से, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है H2O से। नेगेटिव साइन का मतलब होता है एनर्जी रिलीज होना, तो D2O के एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है H2O से। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी D2O की ज्यादा है, टेम्परेचर एट विच मैक्सिमम डेंसिटी इज शोन वो भी ज्यादा है, डेंसिटी भी ज्यादा है, विस्कोसिटी भी ज्यादा है, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कम है, ये ट्रेंड याद रखना। D2O का सारा कुछ ही ज्यादा है, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कम है, क्योंकि D2O ज्यादा एसोसिएटेड होता है, एच बॉन्डिंग इसमें ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। सो क्या आंसर आ गया इसका, 1 and 3। हायर होता ना, हैवी वाटर इज हायर बॉइलिंग पॉइंट। हैवी वाटर इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर सिंस इट स्लोस डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन एंड दस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ हैवी वाटर इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर, तो ये सही बात है, यही है बस आगे आंसर। How is heavy water prepared? Compare its physical properties with those of ordinary water. Heavy water को कैसे बनाया जाता है और उसकी properties आपको compare करनी है ordinary water से। तो देखो जो ordinary water होता है ना, उसमें ना हर 6000 parts में 1 part जो होता है वो heavy water होता है, ठीक है। मान लो आप 6000 ml, 6 liter आपने पानी लेके आए हो, 6 लीटर में 1 ml क्या होगा, हैवी वाटर होगा, ठीक है। बाय प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑर्डिनरी वाटर हैवी वाटर इज प्रिपेयर्ड, अगर आप ऑर्डिनरी वाटर का बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलिसिस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, हैवी वाटर बन जाएगा। व्हेन ऑर्डिनरी वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड प्रोटियम इज लिबरेटेड मच मोर रेडिली देन ड्यूटीरियम, जब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या होगा, वाटर तो इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा और H2 बन जाएगा, प्रोटियम मतलब H+ की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि H+ छोटा है और ज्यादा मोबिलिटी है उसकी एज कम्पेयर टू D+,
और एच प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल भी कम है, मतलब उसकी डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी भी ज़्यादा है। एच प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बिकम्स एच टू, ये रिएक्शन होने की टेंडेंसी ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन, तो वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है वहां पे। तो क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रोसिस करते रहोगे तो हाइड्रोजन तो इवॉल्व होती रहेगी, वाटर जो है वो ऐसे होता रहेगा। देखो इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा एच टू प्लस ओ टू, यही होता है ना इलेक्ट्रोलिसिस में, ये होता है इसका इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक है। डी टू ओ का नहीं होगा इलेक्ट्रोलिसिस, इसका इलेक्ट्रोलिसिस जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ये तो इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा, तो जो बच जाएगा बाद में वो क्या बच जाएगा, हैवी वाटर ही बच जाएगा। बस करते रहो लंबे समय तक इलेक्ट्रोलिसिस करते रहो, वाटर सारा उड़ जाएगा, एच टू और ओ टू बन के और डी टू ओ रह जाएगा। इस तरह से इसको बना सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, देखो कि हम पहले, मैं आपको इसके पहले ही बता चुका हूँ, हैवी वाटर जो है वो ज़्यादा एसोसिएटेड होता है एज कम्पेयर टू वाटर, उसमें एच बर्निंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इनथैल्पी ऑफ फ्यूजन, डाइलेक्ट्रिक, मतलब ये सारा कुछ उसका हाई होता है। बस क्या, विस्कोसिटी भी हाई है, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कम होता है। हैवी वाटर हैज मोर मॉलिकुलर मास देन ऑर्डनरी वाटर, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट लोअर होता है, इसलिए आयनिक कंपाउंड उसमें कम सॉल्युबल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इनथैल्पी ऑफ फ्यूजन, विस्कोसिटी आर मोर फॉर लिक्विड्स हैविंग मोर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेज। तो जिन लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेज ज़्यादा है उनका ये सब ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो क्योंकि डी टू ओ के लिए ये सारी वैल्यूज ज़्यादा हैं, इसलिए इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एच टू ओ से ज्यादा होती है, ठीक है। राइट वन केमिकल रिएक्शन फॉर प्रेपरेशन ऑफ डी टू ओ टू, ड्यूटेरियम परऑक्साइड है ये, इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है, तो ये है पोटाशियम पर सल्फेट को हैवी वाटर के साथ रिएक्ट करा दो तो बन जाएगा। देखो कैसे होगा मैं बताता हूँ, ये है ओ नेगेटिव, मतलब के है यहाँ पे, ओ नेगेटिव है ऐसे, नहीं गलत बन गया, सुनो सॉरी, यहाँ पे एक और ओ आया, ये है ना K2S2, इसका स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। अब क्या करो, इसका जब आप हैवी वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करोगे ऐसे, यहां से टूटेगा ये, ठीक है, एक तरफ OD एक तरफ D, क्या बन गया ये KO S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OD बन गया ना, ये यही बन गया ना KDSO4, ये KDSO4 ही है, और इस तरफ क्या बन जाएगा, यही बन गया ना, ठीक है। फिर से करो इसका एनालिसिस इधर ऐसे, तो इस तरफ डी, ये ना यहां पे OOD बनेगा, एक सेकेंड, इस तरफ OOD, देखो यहाँ वो तो पहले से था, एक ओडी आपने और लगा दिया, तो OOD बन गया ना ऐसे। अब करो इसका हाइड्रोलिसिस ऐसे, तो इस तरफ ओडी इस तरफ डी, क्या बन गया ये, फिर से डी ओ ओ डी बन गया ना, ये डी टू ओ टू, और वो फिर से के डी एस ओ फोर बन जाएगा ये, तो दो मॉलिक्यूल ऑफ के डी एस ओ फोर बन गया और डी टू ओ टू बन गया, हो गया ना, इस तरह से बनता है लेबोरेटरी में। तो क्या करना है, पोटाशियम पर सल्फेट को हैवी वाटर के साथ रिएक्ट करा दो तो बन जाता है। मेल्टिंग पॉइंट, इनथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड विस्कोसिटी, अच्छा आपको ये डाटा गिवन है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एच टू ओ टू और डी टू ओ टू, विस्कोसिटी और इनथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, डाटा गिवन है हमको। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा एक्सप्लेन विच ऑफ द लिक्विड इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर, इन दोनों लिक्विड में इंटर मॉलिकुलर फोर्स किसमें स्ट्रांग है, कैसे बताओगे आप। देखो जिसका मेल्टिंग पॉइंट, इनथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है, गाढ़ापन,
कौन कितना गाढ़ा है, जैसे शहद है उसकी विस्कोसिटी पानी से ज्यादा है, तो जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है मतलब उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी उसकी ज्यादा ही होगी। तो क्योंकि हैवी वाटर की ये सारी चीजें नॉर्मल वाटर से ज्यादा है, इसका मतलब हैवी वाटर में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस वाटर से ज्यादा है। डाइहाइड्रोजन रिएक्ट्स विद डाई ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है, डाई ऑक्सीजन और डाइहाइड्रोजन रिएक्ट करके वाटर बनाती है, H2 और O2 रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, ठीक है। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट व्हेन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच हैज वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का कौन सा ऐसा आइसोटोप है जिसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, ड्यूटेरियम है ना। विल द रिएक्टिविटी ऑफ बोथ दीज आइसोटोप्स सेम टूवर्ड्स ऑक्सीजन, क्या इन दोनों की रिएक्टिविटी सेम होगी, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच हैज वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम। तो जब आप इसको रिएक्ट करोगे तो हैवी वाटर बनेगा। तो देखो जो डी डी बॉन्ड है वो HH बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसको अगर ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ये कम रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू H2, ठीक है। सही कर लेते हैं इसको, इसको बैलेंस सही कर लें, लो हो गई बैलेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैवी वाटर, हैवी वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है। हैवी वाटर इज यूजफुल फॉर फॉलोइंग पर्पजेस, तो हैवी वाटर इज यूज एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर सिंस इट स्लोज डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स एंड दस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। तो हैवी वाटर क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में मॉडरेटर का काम करता है, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको स्लो डाउन कर देता है, इसलिए रिएक्शन को कंट्रोल करने में काम आता है न्यूक्लियर रिएक्शंस को। अगला, हैवी वाटर इज यूज एज ट्रेसर कंपाउंड टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म्स। देखो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी करने हैं तो आप नॉर्मल वाटर की जगह हैवी वाटर ले लो। नॉर्मल वाटर में क्या एच प्लस होता है, हैवी वाटर में डी प्लस होता है। तो जहां जहां पे भी पहले मतलब आप हैवी वाटर के साथ रिएक्शन करो तो जहां जहां पे डी प्लस आपको दिखेगा तो मतलब रिएक्शन उस पाथवे से गई है, एच प्लस की जगह डी प्लस आ जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा डी प्लस यहाँ आया यहाँ आया यहाँ आया, तो रिएक्शन इस पाथवे से गई है, ठीक है ना। जैसे मान लो, जैसे ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, CH3 CH3 सी डबल बॉन्ड OH, मान लो आपने इसको D2O2 नहीं D2O और OD नेगेटिव के साथ ट्रीट कर दिया, ठीक है ना, D2O2 और O नेगेटिव के साथ ट्रीट कर दिया, तो आप देखते हो कि यहाँ पे H की जगह D आ जाता है, यहाँ पे H की जगह D आ जाता है, तो आप समझ सकते हो कि मैकेनिज्म में ये वाला H रिप्लेस हो रहा है, मैकेनिज्म में ये वाला H यहाँ से रिएक्शन इस साइड पे रिएक्शन हो रही है। अगर आप ये नॉर्मल वाटर के साथ करते रिएक्शन, मान लो ये है नॉर्मल वाटर के साथ करते रिएक्शन, मान लो ये आप, तो ये एच हट के फिर से यही एच आ जाता, आपको पता नहीं चलता कौन सा एच हटा कौन सा गया, रिएक्शन का पाथवे पता नहीं चलता, लेकिन आप ड्यूटेरियम कर ली तो ये वाला एच तो वैसे के वैसे ही रह गए, ये हट गया तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ हो रही है रिएक्शन, तो मैकेनिज्म उससे आप गैस कर सकते हो उसका, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड की स्ट्रक्चर के लिए भी होता है, जैसे एग्जाम्पल हाइपोफॉस्फोरस एसिड को जब आप D2O के साथ ट्रीट करोगे तो सिर्फ एक एच एटम ही, देखो ये है ये रिएक्शन शो की है, मैं आपको बताऊं पहले तो इसकी फॉस्फोरस के जो मोस्ट कॉमन तीन ऑक्सो एसिड है बना देता हूं, ये बन गया ना तीन ऑक्सो एसिड, तो क्या होगा अगर आप, अब ये एसिडिक एच है, जो एच ओ के साथ जुड़ा होता है वो एसिडिक होता है बिकॉज वो एच प्लस के रूप में डिसोसिएट हो सकता है, ये वाले एच तो एच प्लस के रूप में डिसोसिएट हो नहीं सकते तो एसिडिक नहीं होते,
तो अगर आप D2O के साथ ट्रीट करोगे तो क्या होगा, अचट के यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा, 3 डी आएंगे यहाँ पे, 2 डी आएंगे यहाँ पे, 1 डी आएगा। तो मतलब जितने एच हट के डी आ रहे हैं उतने एच एसिडिक हैं, तो उससे स्ट्रक्चर का आइडिया हो सकता है आपको। तो इससे में सिर्फ एक ही एच हट के डी आता है, तो इसकी स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, ड्यूटेरियम इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हैवी वाटर। तो अगर आप हैवी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो क्या बनता है, D2 बनता है, डाई ड्यूटेरियम। देखो नॉर्मल वाटर का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो क्या बनता है, यही बनेगा ना, H2 बनेगा। हैवी वाटर का अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो D2 बन जाए। मतलब अगर आप दोनों का करोगे तो प्रायोरिटी में इसका होगा इलेक्ट्रोलिसिस, पर आप सिर्फ इसका करोगे तो हो ही जाएगा ना। ठीक है ना, इन लेबोरेटरी D2O2 इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ पोटाशियम परसल्फेट विद हैवी वाटर। तो पोटाशियम परसल्फेट को हैवी वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो D2O2 बन जाता है, ये मैंने अभी बना के दिखाया आपको। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ कैन D2O बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर। वाटर से आप D2O कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। मेंशन द फिजिकल प्रॉपर्टीज इन विच D2O डिफर्स फ्रॉम H2O। तो ठीक है, गिव एटलीस्ट 3 रिएक्शंस ऑफ D2O शोइंग द एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन विद ड्यूटेरियम। 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट, D2O बनता कैसे है, हमने पहले भी बता बात अभी मैंने करी है कैसे बनता है D2O। जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें हर 6,000 पार्ट में एक पार्ट क्या होता हैवी वाटर होता है। जब आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो D2O और H2O में से प्रेफरेबली किसका इलेक्ट्रोलिसिस पहले होता है, H2O का पहले होता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो H2O इलेक्ट्रोलिसिस होके खत्म होता रहेगा, H2O इलेक्ट्रोलिसिस होके ऐसे खत्म होता रहेगा, D2O रह जाएगा। तो आप करते रहो इलेक्ट्रोलिसिस, तो एंड में आपके पास सिर्फ D2O बच जाएगा। इस तरह से आप उसको बनाते हो। तो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है D2O की, D2O में एच बॉन्डिंग H2O से ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए उसकी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होगी। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन्थैल्पी ऑफ फ्यूजन है ना, विस्कोसिटी, ये सब D2O का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू H2O। एक बात ध्यान रखना, इसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कम होता है D2O का H2O से। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो गया। लास्ट पार्ट क्या है, आपको 3 ऐसी रिएक्शंस बतानी है जहाँ पे हाइड्रोजन का एक्सचेंज ड्यूटेरियम के साथ हो रहा है। देखो HCl को D2O के साथ ट्रीट कर दो, क्या बन जाएगा, DCl। H की जगह क्या आ जाएगा, DCl आ जाएगा, और यहाँ पे भी एक D की जगह H आ जाएगा, HOD बन गया। NaOH के साथ ट्रीट करोगे, ये H हट के NaOD आ गया, और यहाँ पे D, एक D हटा के H लगा दो, HOD बन गया ना। H3PO2 को करोगे तो H2DPO2 बन गया, दैट्स इट।